हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है क्लास इलेवेंथ के लिए। क्लास इलेवेंथ में हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम एलिमेंट्स बुक। एलिमेंट की बुक में से एक्सरसाइज हमने 1.1 कर ली थी। तो साथियों, आज हम 1.2 करने वाले हैं और कौन सी बुक में से? एलिमेंट्स की बुक में से 1.2 करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टॉपिक क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये रहेगा आज का हमारा मेन टॉपिक। हो सकता है आपने 10th क्लास में ये टॉपिक किया हो, लेकिन यहां हम इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो आपने 10th क्लास में नहीं किए हैं। एडवांस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। एट प्रेजेंट इस लेक्चर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में हम राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ के जो भी ट्रायंगल हमारे बच जाएंगे उनकी बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। आप कहोगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, कैसा ट्रायंगल होता है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। एक एंगल जिसमें किसका होता है भाई? 90 का होता है। नेम दे दे इसको कोई भी। ये मैंने इसको नेम दे दिया एबीसी, एबीसी। अब एक एंगल तो इसका फिक्स हो गया 90 डिग्री का, एक एंगल इसका फिक्स है 90 डिग्री का। तो बचने वाले दो एंगल हैं, रिमेनिंग टू एंगल्स। जो बचने वाले दो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स होंगे साथियों। कहोगे सर एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90। जो बचने वाले एंगल हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू या दोनों की मेजरमेंट कितनी होगी? 90 से लेस होगी। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट कितना हो? 90 से लेस हो। कहने का मतलब जो एंगल सी है वो भी लेस देन 90 होगा और जो एंगल ए है वो भी लेस देन 90 होगा। ठीक है सर, तो इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा। एंगल सी को मान लिया मैंने क्या? थीटा। थीटा क्या है? थीटा एक मेजरमेंट का सिंबल है थीटा। जैसे कि हम लेंथ का मेजरमेंट का सिंबल लेते हैं या फिर एरिया का सिंबल लेते हैं, वॉल्यूम का सिंबल लेते हैं, उसी प्रकार थीटा हमने क्या लिया है? एंगल का मेजरमेंट का क्या एक सिंबल है? थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? कोई भी एक्यूट एंगल है। थीटा इज एनी एक्यूट एंगल। थीटा क्या है? कोई एक्यूट एंगल है। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पहले हमें किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें लेके आने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं भैया। कितने होते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कितने होते हैं? 6। पहला जो है वो होगा साइन थीटा। दूसरा जो होगा वो होगा कोसाइन थीटा। तीसरा जो होगा वो होगा टेंजेंट थीटा। नंबर चार क्या होगा? कोसिकेंट थीटा। नंबर पाँच कौन सा होगा? सीकेंट थीटा। और नंबर छः जो बच गया, कोटेंजेंट थीटा। ये हमारे क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। कितने? 6 होते हैं सर।
साइन थीटा, कोसिक, कोसाइन, टेंजेंट, कोस, टेंजेंट के बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट के बाद सीकेंट, सीकेंट के बाद कोटेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम साइन को एस आई एन थीटा लिख देते हैं, कोसी कोसाइन को हम कोस लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ इसकी भाई, शॉर्ट फॉर्म देखो, पूरी जो फॉर्म है वो तो ये है। शॉर्ट फॉर्म में हम इस साइन को साइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन को कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, टेन थीटा, कोसिकेंट को कोसेक बोलते हैं, कोसेक, कोसिकेंट को कोसेक बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है सर। और सीकेंट को सेक बोला जाता है, सेक। और कौन बच गया, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को कोट बोला जाता है, कोट थीटा। ये इनकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या भैया, शॉर्ट फॉर्म। ये जो मैंने राइट साइड में लिखी है ये सारी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ये तो हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब निकालने क्या है, इनके रेशियोज निकालने हैं। अब रेशियो किसके निकलेंगे भाई, रेशियो निकलेंगे साइडों के, रेशियो निकलेंगे साइडों के। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के एंगलों का, ट्रायंगल के एंगलों का उनकी साइडों के, साइडों के साथ क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। जो ट्रायंगल है उसके एंगलों का उसकी साइडों के साथ रिलेशन बताता है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या बताता है, रेशियो बताता है। तो कौन किस साइड का रेशियो बताएगा, कौन किस साइड का रेशियो बताएगा, उस चीज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, मैथ्स विद गोपाल सर। चलिए, उसके लिए हम एक लाइन याद रखनी है, उसके लिए हम एक लाइन याद रखनी है, जिसको निंजा टेक्निक कह सकते हैं आप, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक, या फिर शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। याद रखने का एक तरीका है, याद रखने का एक तरीका है। तरीका याद रखने से पहले हम पहले इसके बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या क्या बात करनी है सर, इस ट्रायंगल में बात करनी है सर कि कौन कौन साइड क्या कहलाती है, कौन सी साइड क्या कहलाती है। तो सबसे पहले देखिएगा जरा, जो थीटा एंगल आपने लिया है, जो एंगल आपने थीटा लिया है उसके सामने की साइड, थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी भाई, परपेंडिकुलर। थीटा जो भी आप ले रहे हैं, थीटा सी को ले रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड, थीटा ए को ले रहे हैं तो ए के सामने वाली साइड, जो थीटा आपने लेट किया है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी सर, ठीक है जी। अब जिस साइड के ऊपर थीटा बना हुआ है, जिस साइड के ऊपर थीटा आपने लिया है, उस साइड को बेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेस। और जो बचने वाली साइड है, या फिर जो सबसे बड़ी साइड है, या फिर जो स्लेंट साइड है, टेडी जो लाइन है, उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज बोला जाता है भाई। और जो हाइपोटेन्यूज होता है ट्रायंगल की सबसे सबसे बड़ी साइड होती है, कौन है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपको इस चीज की पहचान करनी पड़ेगी, पहचान करने के बाद निंजा टेक्निक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है भैया क्या, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतनी बात याद रख लोगे, ऊपर लिख रहा है सोना चांदी तोले, क्या याद रखना है, पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये बात आपको रिमाइंड रखनी है, याद रखनी है, निंजा टेक्निक है साथियों ये। आ जाओ बात करते हैं, देखो भाई पंडित का उठा लो पी, यहाँ लिख रहा हूँ, पंडित का उठा लिया पी, बद्री का उठा लिया बी, ठीक है गुरुजी, प्रसाद का फिर पी उठा लिया, वेरी गुड, हर का फिर एच उठा लिया, का बात कर रहे हो सर, फिर हर आ गया फिर एच उठा लिया, और बोले का मतलब बी, यानी कि बी उठा लिया भाई, पहला पहला वर्ड, पहला पहला लेटर आपने उठा लेना है, उठा लोगे। अब ऊपर वाली लाइन क्या है, सोना चांदी तोले, सोना का एस उठा लो, चांदी का सी उठा लो, और तोले का टी उठा लो, ये बात लिख दी मैंने यहाँ, लिख दी गुरुजी, वेरी गुड। ये लाइन याद करनी है साथियों,
याद कर लेंगे सर। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और साथ में सोना चांदी भी तोले। वेरी गुड। देखो आप सुन लो, अरे सुन रहे हो क्या? अरे ओ प्लस वन वालो, प्लस वन वालो सुन रहे हो क्या? सुन रहे हैं गुरुजी। पी पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है गुरुजी। बी स्टैंड फॉर बेस और एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। पहले तो लाइन याद करनी थी, उनके पहले पहले लेटर उठा लिए, अब इन लेटरों को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस और जे वाली एस। एस बोले साइन, सी बोले कोस, पी बोलो, अरे पी बोलो, और टी उठाना था, गलत लिख दिया, टी उठाना था, टी बोले टेंजेंट। वाह गुरुजी वाह, क्या रिलेशन बनाया है। सदके जावा रे सदके जावा, आ जाओ बोर्ड पे, देख लो बोर्ड पे, सामने ध्यान दो, कहाँ देख रहा तू, इधर उधर नहीं देखना, बोर्ड पे आ जा, बोर्ड पे। कितनी मजेदार बात बताई जा रही है, आ जाओ भाई। मैंने कहा एस साइन के लिए, सी कोस के लिए, टी टेन के लिए, समझ में आ गई। सुन लो, सुन रहे हो ना, सुन रहे हैं गुरु जी। पहली बात किसकी करूंगा मैं, साइन थीटा की। तो साइन का फॉर्मूला ये खड़ा, ये रहा साइन का, साइन का फॉर्मूला क्या, पी बाई एच, पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है गुरु जी, ए बी, ए बी है परपेंडिकुलर, ठीक है सर जी। परपेंडिकुलर बाई क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो साइन भैया ने, किस भैया ने, साइन भैया ने दो साइडों का रेशो बता दिया, पहली बात खत्म होगी। दूसरी बात कौन आ गया, कोस, कोस। अब कोस कौन है, ये रहा कोस, कोस का फॉर्मूला ये रहा सर, देखो इसको, बी बाई एच, बी बोले बेस, बेस क्या है, बी सी, एच बोले हाइपोटेनस, कौन है सर जी, ए सी, शाबाश। बात आ गई टी, टन टनाटन, टी बोले टेन, टेन, टेन की बात करोगे, करोगे बात टेन की, करेंगे सर, आ जाओ। टेन के लिए कौन खड़ा है, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी परपेंडिकुलर क्या था, कहोगे सर ए बी था, और बेस, बेस क्या था, बी सी था। इतनी बात समझ में आ गई, ओ आ गई गुरुजी। साइन की बात आ गई समझ में, कोस की बात समझ में आ गई, टेन की बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ा लो, आ जाओ भाई बढ़ावांगे। साइन, साइन का दुश्मन, साइन का दुश्मन, साइन का दुश्मन बोले साइन का रेसिप्रोकल, साइन का दुश्मन बोले साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन अगर ऊपर है तो दुश्मन कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा गुरुजी, क्योंकि दो दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते। साइन ऊपर है, उसका दुश्मन कौन है, कोसिकेंट, वो मिलेगा नीचे। आप कहोगे सर साइन का दुश्मन है तो कोस का दुश्मन भी होगा, कोस का दुश्मन, दुश्मन बोले रेसिप्रोकल, कोस का दुश्मन ये बैठा सिकेंट, सिकेंट, को साइन का दुश्मन है कोसिकेंट, कोस का दुश्मन सीकेंट, टेन, टेन का दुश्मन कोट, टेन का दुश्मन कोट, दुश्मन का मतलब क्या समझे प्यारे, ओ समझे क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और भैया टेन का रेसिप्रोकल है कोट। कैसे गुरुजी समझाओ, आज वो समझावांगे भाई। साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो साइन को वन बाई कोसिकेंट लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब देखो अगर कोसिकेंट लिखूं तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल कौन है, साइन। मैं तेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन, अगर साइन कोसिकेंट का दुश्मन है तो कोसिकेंट भी तो साइन का दुश्मन होगा। साइन ऊपर कोसिकेंट नीचे, कोसिकेंट ऊपर साइन नीचे, आगे समझ में आ गई सर जी। नंबर दो, नंबर दो की बात करो भाई।
कौश का दुश्मन कौन था रे? कहोगे गुरुजी कोश का दुश्मन सीकेंट था, तो कोश ऊपर तो कौन सीकेंट है? नीचे, और सीकेंट ऊपर तो नीचे कौन? कोश। ठीक है, एक दुश्मन ऊपर मिलेगा, एक दुश्मन है नीचे, और दुश्मन का मतलब रस्सी प्रोकल। ठीक है गुरुजी, कहानी समझ में आने लाग रही है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो आगे बात करेंगे, किसकी बारी आ गई? टन टनाटन, यानी कि टेन। टेन का दुश्मन कोट, तो टेन ऊपर तो कोट नीचे, और कोट ऊपर तो टेन नीचे। ये हो गए दोनों के रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल हो गया, कोस का रेसिप्रोकल हो गया गुरुजी, टेन का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है गुरुजी, इतनी सी बात समझ में आ गई सारे के? आ गई सर जी, आ गई। अब बात कर लो किसकी? कोसिकेंट की। कोसिकेंट नीचे था, कोसिकेंट नीचे था तो शुरुआत नीचे से, नीचे से ऊपर जाना है सर जी, नीचे से ऊपर जाना है। तो पहले एच आएगा फिर पी आएगा, यानी कि एच बाई पी बन गया भाई। एच कौन? अरे एच कौन? एच कौन हाइपोटेनस है, यानी कि ए सी। ठीक है सर जी। पी कौन? परपेंडिकुलर। कौन है परपेंडिकुलर भाई? ए बी। तो कोसिकेंट ने रेशियो बना दिया किसके साथ है? ए सी और ए बी के साथ। कौन बनाएगा? सीकेंट। सीकेंट नीचे बैठा है तो जर्नी इसकी नीचे से शुरू होगी ऊपर तक, तो पहले कौन आएगा? एच, फिर कौन आएगा? बी। एच बाई बी। एच क्या है रे? हाइपोटेनस ए सी। बी क्या है रे? बेस बी सी। ये सीकेंट का फॉर्मूला बन गया भाई, समझ में आ गई? ओ आ गई सर, आ गई। चलो आगे, किसकी बारी आ गई? कोट की बारी आ गई भाई। कोट, कोट नीचे बैठा है, नीचे से कहाँ जाएगा गुरुजी? ऊपर। तो पहले किसकी बारी आएगी? बेस की, और फिर किसकी आएगी? परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस कितना है? बेस कितना है? बी सी। बेस है बी सी, और भैया परपेंडिकुलर है ए बी। ये फॉर्मूला बन गया किसका रे? कोट का बन गया। इतनी सी कहानी समझ में आ गई? अरे ओ प्लस वन वालों, सुन रहे हो क्या? सुन लो यार, सुन लो। इतनी सी कहानी समझ में आ गई सबको? आ गई सर, गर्दन हिला दो। आ गई सर, आ जाओ फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किसी भी प्राणी को अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स नहाने के लिए नहीं दे रखा भाई। कमेंट बॉक्स किस लिए दिया जाता है? कि आप कमेंट कर पाएं, आप कमेंट कर पाएं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन प्रेत आत्माएं, कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी हैं जो ना तो यस कहती ना ही नो कहती, बंदर बन के वीडियो देखते रहते हो। बंदर मत बना करो, इंसान बन जाओ। यस समझ में आ जाए तो यस, ना आए तो नो लिख दो, कमेंट किया करो सारे। वेरी गुड, चलो आगे बात करते हैं। आगे की कहानी रे, आगे की कहानी क्या थी गुरुजी? आ जाओ भाई आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या पढ़नी है? हमारे पास, किसके पास? अरे किसके पास? कहोगे गुरुजी हमारे पास। हमारे पास क्या है? कुछ आइडेंटिटी याद रखनी है आपको। आइडेंटिटी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी है गुरुजी? अगर साइन का स्केयर हो और अगर कोस का स्केयर हो। किस किस का हो? साइन का भी स्केयर हो और कोस का भी स्केयर हो, लेकिन कंडीशन है इसमें। एक कंडीशन क्या है? कि एंगल दोनों के सेम होने चाहिए सर जी, एंगल दोनों के सेम होने चाहिए। अगर साइन का एंगल 30 डिग्री है तो कोस का एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है? कि साइन क्या हो? सेम। दूसरी कंडीशन क्या है? कि बीच में साइन किसका हो? प्लस का। और तीसरी कंडीशन क्या है? कि गुरुजी एक साइन हो और एक कोस हो। और चार नंबर कंडीशन क्या है? कि दोनों का क्या हो गुरुजी? स्केयर हो। ये कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि दोनों का एंगल सेम हो, दूसरी कंडीशन बीच में साइन प्लस का हो, तीसरी कंडीशन एक साइन हो एक कोस हो, और नंबर चार की कंडीशन साइन का भी स्केयर हो और कोस का भी स्केयर हो। तो क्या चिपका दो? वन चिपका दो, बिना कुछ सोचे समझे।
बिना कुछ सोचे समझे ये चार कंडीशन वेरीफाई होगी ना, तो उनकी इक्वल में क्या लगा दो, वन है। एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? पूछ लो सर। देखो जरा, साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45, आंसर बता सकते हो? बिना पेन उठाए आंसर बता दो भाई, मौज हो जाएगी बिल्कुल। बिना पेन उठाए आंसर बता दो, जिसने आंसर बता दिया, दो दो रुपए वाले पार्ले जी के पैकेट मेरे पास हैं, सबको इनाम में दूंगा, गिफ्ट में दूंगा। बताओ आंसर, कमेंट करो आंसर, बताओ क्या आएगा, साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45, बिना पेन उठाए आंसर बता सकते हो कैसे? चारों कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन, दोनों के साइन सेम हो, 45 डिग्री, पहली कंडीशन वेरीफाई। बीच में साइन प्लस का हो, ये रहा सर प्लस का। दूसरी कंडीशन वेरीफाई, एक साइन हो एक कोस हो, एक साइन हो रे एक कोस हो, है सर वो भी, कंडीशन वेरीफाई। नंबर चार क्या है, दोनों का स्केयर हो, यहाँ भी स्केयर है गुरुजी, यहाँ भी स्केयर है, बिना कुछ सोचे समझे चलते चलते क्या फेंक दो, वन फेंक दो। चारों कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो इक्वल टू में वन लिख दोगे। आगे समझ में आगे गुरुजी आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, साथियों भाइयों और बहनों आगे बढ़ो। देखो यहाँ से हमने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी, पहली क्या आइडेंटिटी ये थी भाई, इक्वल टू में वन होगा। अगर मैं यहाँ से साइन का स्केयर निकालना चाहूँ, कैसे निकालूं? कहोगे सर प्लस का ये जो है ना कोस, उसको साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो वन माइनस क्या हो गया बच्चे, कोस स्केयर। तो साइन स्केयर की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्केयर लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से स्केयर हटाना चाहूँ तो कहोगे सर उस साइड रूट लगा दो, दोनों साइड क्या लगा दो, रूट यानी कि वर्गमूल। लो भाई दोनों साइड लगा दिया मैंने रूट, का लगा दिया रूट, रूट लगा दिया सर, तो क्या होगा इसके स्केयर से, तो इसका रूट कट जाएगा, यहाँ तो बच गया साइन, कौन बच गया साइन, और इक्वल टू में कौन है, वन माइनस कोस स्केयर। तो जहां भी आपको वन माइनस कोस स्केयर दिखाई दे उसकी जगह साइन स्केयर लिख सकते हो, और जहां भी वन माइनस कोस स्केयर का रूट लिखा दिखाई दे तो अकेला साइन लिख सकते हो। यहां तक की बात समझ में आई सबको आ गई? तो एक बार गुंठा दिखा दो फटाफट, गुंठा दिखा दो सर, बेस्ट ऑफ लक निकाल दो, फटाफट आ जाओ भाई, आगे बात करेंगे। किसकी वैल्यू निकाल ली, साइन की। और अगर मैं ये कह दूं कि भैया कोस स्केयर की वैल्यू निकालनी है, अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो साइन को लेके जाना पड़ेगा, ये प्लस का है ए, ले जो इसने दूसरी साइड में, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई मन माइनस साइन स्क्वायर आ गई। और यहाँ से क्या हटाओ, स्क्वायर हटाओ, तो दूसरी साइड में क्या लगा दो सर जी, रूट लगा दो, ये आ गई कोस स्क्वायर। जहां भी वन माइनस साइन स्क्वायर लिखा दिखाई दे कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जहां भी वन माइनस साइन स्क्वायर का रूट लिखा दिखाई दे कोस अकेला लिखा जा सकता है। इतनी सी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आई हो तो एक बार मुंह धोया भाई सारे और फटाफट दोबारा आ जाओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी नंबर वन। नंबर टू, अरे नंबर टू की बात करो रे, सीकेंट के साथ टेन दिखाई दे तो वन लिख देंगे, सीकेंट की जगह साथ में टेन लिखा दिखाई दे तो वन लिख देंगे। कंडीशन पहली कंडीशन तो वही है क्या, कि एंगल सेम हो सर, सेम एंगल होने चाहिए साथियों, सेम एंगल होने चाहिए दोनों के, सीकेंट का भी टेन का भी। नंबर दो, बीच में साइन नेगेटिव हो, वहां पॉजिटिव था पहली में लेकिन यहां नेगेटिव होगा। नंबर तीन क्या हो, दोनों का स्केयर हो किस किसका, सीकेंट का भी और टेन का भी। और नंबर चार क्या है, कि एक तो सीकेंट होना चाहिए और एक टेन होना चाहिए, कोई और अगर हो तो इक्वल में वन नहीं लिख सकते गुरुजी। ये चार कंडीशन वेरीफाई करवानी पड़ेगी, हो जाए तो आंख बंद करो और सबका मालिक है एक लिख डालो, ठीक है जी। यहां से निकालो भाई सीकेंट स्केयर की वैल्यू, कैसे निकालोगे, जो ये दादाजी बैठे हैं इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस का था प्लस का, तो सीकेंट स्केयर की वैल्यू आ गई वन माइनस वन प्लस टेन स्केयर। और अगर मैं इसको हटाना चाहूँ स्केयर को, तो दूसरी साइड रूट लगा दो, तो साथियों सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी गुरुदेव, रूट लगा दो दूसरी साइड में, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। आई समझ में,
ओ आ गई सर जी, आ गई। अब किसकी निकालनी है? टेन की। कैसे निकालोगे? देखो टेन स्क्वायर की निकालनी है। कैसे निकालोगे? ये नेगेटिव है, इसको तो ले जाओ इस साइड में, और इस वन भैया को ले जाओ इस साइड में। तो ये नेगेटिव था, ये तो बन गया पॉजिटिव। इक्वल टू में क्या बच गया? वो तो बैठा ही था। कौन बैठा था? सीकर तो बैठा ही था। जो वन भैया था, इसको सीकर की ओर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का। समझना कितनी बात है। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। और अकेले टेन की वैल्यू निकालना चाहवा, अकेले टेन की वैल्यू निकालना चाहोगे, क्या करोगे सर? दूसरी साइड रूट लगा देंगे। लो साथियों, आपके कहने पे मैंने रूट लगा दिया। ये होगी हमारी आइडेंटिटी नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो। उसके बाद किसके बाद? उसके बाद किसके बाद? उसके बाद नंबर तीन आइडेंटिटी क्या कह रही है? आइडेंटिटी नंबर तीन कह रही है सर क्या? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आना चाहिए गुरुजी। सी से सी मिल गया, सी से सी मिल गया। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर सेम कंडीशन। पहली क्या थी? पहली बताओ, एंगल सेम हो, एंगल सेम हो, यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बीच में साइन नेगेटिव हो। तीसरी कंडीशन क्या? एक कोसेकेंट होना चाहिए सर जी, और एक कोट होना चाहिए सर जी, ठीक है। और नंबर चार क्या भाई साहब? ओ मेरे भाई साहब, नंबर चार क्या है? कि स्क्वायर हो दोनों का, इसका भी स्क्वायर हो और इसका भी स्क्वायर हो। चारों कंडीशन अगर, चारों कंडीशन अगर आपको मिल जाए बिना कुछ सोचे समझे, भगवान का नाम लो, एक लिख डालो। लिख दिया सर जी, लिख दिया। आ जाओ, बन गई आइडेंटिटी क्या? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहां से अगर मैं कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे? कहोगे गुरुजी ये माइनस का है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा सर जी। लो भाई प्लस का कर दिया। तो कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? वन प्लस कोट स्क्वायर। और अगर मगर इस अकेले कोसेकेंट को निकालना चाहूं, मीन्स इसके स्क्वायर को खत्म करना चाहूं, कहोगे सर दूसरी साइड रूट लगा दो। लो भाई साहब, तुम्हारी ही मान ली मैंने, दूसरी साइड क्या लगा दिया रे? रूट लगा दिया। तो यहां से वैल्यू आ गई कोसेकेंट की। अब आप लोग कहेंगे सर हमें तो कोट भी चाहिए, सर्दी आने वाली है तो गुरु जी कोट तो दे दो। कोट की वैल्यू देंगे, आ जाओ। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कैसे निकालोगे? सुन लो, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? इधर आ, तू इधर सुन ले, इधर आ जा, इधर उधर मत देख, इधर बोर्ड पे देख। कितना मजेदार, धमाकेदार, लाल मिर्ची हरी मिर्ची टॉपिक चल रहा है, ध्यान दो सारे। आ जाओ सर, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? इस माइनस वाले को तो ले जाओ इस साइड में, और इस वन भाई साहब को ले जाओ इस साइड में। तो क्या बनेगा? जो ये माइनस का था कोट स्क्वायर, इसको इस साइड ले, प्लस का हो गया, ठीक है सर। वो तो बैठा ही था पहले, कौन है? कोसेकेंट तो पहले बैठा ही था। जो ये प्लस का वन है, दूसरी साइड जाके माइनस का वन हो गया सर जी। ओ वेरी गुड सर, वेरी गुड। कोट स्क्वायर की निकाल दी। अकेले कोट की निकालनी हो तो कहोगे सर इस साइड में रूट लगा दो। ये लगा दिया रूट, तो किसकी वैल्यू आ गई? अरे किसकी वैल्यू आ गई? कहोगे सर जी कोट की वैल्यू भी आ गई और कोसेकेंट की वैल्यू भी आ गई। आ गई भाई, आ गई, और आ गई, आ गई, आ गई। चलो बात करें एक छोटी सी बात और। आपके पास टन टनाटन है, टन टनाटन, टन टनाटन, टन टन तारा। आपके पास टेन है, क्या है? टेन। और टेन को मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कितने? दो कर दूंगा। टेन के टुकड़े करने हैं, टेन के टुकड़े करने हैं। कह दो सर एक टुकड़ा साइन, एक टुकड़ा कोस। तो टेन को क्या लिखा जा सकता है गुरुजी? साइन बाई कोस। टेन को अगर साइन कोस की फॉर्म में लेके आना चाहो तो टेन की जगह साइन बाई कोस लिखा जा सकता है, साइन बाई कोस लिखा जा सकता है। ध्यान क्या रखना है? जो एंगल यहां है वही एंगल यहां होना चाहिए। जैसे कि कैसे कि टेन थर्टी है, टेन थर्टी है, साइन कोस में बदलो। आप कहोगे सर साइन थर्टी बाई में कॉस 30, जो एंगल यहां है वही एंगल इनको देना है। दे देंगे सर। एक बात और सुन लो, जानते हैं, लास्ट बात सुन लो बस, फिर को नहीं सुनाऊं, फिर अगली वीडियो में सुनाएंगे। लास्ट सुन लो, लास्ट। अब तो ध्यान दे लो, खुश हो जो, अब तो लेक्चर खत्म होने को है। लास्ट बात बता रहा हूं, लास्ट कौन सी है सर? अगर कोट हो, तुम्हारे पास कोट है, हुआ क्या? एक भिखारी आया,
भिखारी आया, बोला कि भैया कोट दे दो। जो ही आप कोट देने लगे दूसरा भिखारी और आ गया। अब तुमने सोचा कि कोट एक भिखारी दो, क्या करोगे? मूर्खों वाला काम करेंगे। क्या करेंगे? कहोगे गुरुजी मामा तो दो टुकड़े कर देंगे उसके, दो टुकड़े कर दो कोट के। ये रहा कोट, ये रहा कोट, कोट के कर दो दो टुकड़े। जिस प्रकार हमने टेन के दो टुकड़े किए थे उसी प्रकार कोट के दो टुकड़े कर दो। कोस का पहला वर्ड के है, कहोगे सर सी, ऊपर भी पहला वर्ड सी वाला आएगा, पहला वर्ड सी वाला आएगा, यानी कि कोस आएगा। क्या आएगा? कोस आएगा। और नीचे कौन बच गया रे? साइन बच गया। जहां भी आपको टेन दिखाई दे उसकी जगह साइन बाई कोस लिख सकते हैं, जहां भी कोट दिखाई दे उसकी जगह कोस बाई साइन लिख सकते हैं। याद कैसे रखना है? सुन लो, कोट में पहला वर्ड सी, तो यहां भी पहला वर्ड सी आएगा। और सी किस में होता है? कहोगे सर कोस में होता है। आ गया कोस, समझ में आ गई? तो साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे मित्रों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। हो सके तो, अगर हो सके तो एक्सरसाइज 1.02 है वो नॉर्मल सी एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे 10th क्लास में आपने की थी, वो एक बार करके देखना। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, करके देखना। क्वेश्चन ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। और सुन लो रे प्लस टू वालो, प्लस वन वालो, सुन रहे हो? प्लस वन वालो सुन लो, तुम काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे तुम लोग। मुझे पता है, कभी भी कॉपी मंगवा सकता हूँ, कभी भी कॉपी मंगवा सकता हूँ। वीडियो को पूरा देख करके एक एक पॉइंट को फेयर कॉपी में नोट करना है। और आज तक की जितनी वीडियो बनी है सारा होमवर्क कॉपी में होना चाहिए। कभी भी मंगवा लूंगा क्या? नोटबुक ध्यान रखोगे? और साथियों, कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। और तुम सारे के सारे पता क्या करते हो? वीडियो देखते हो मंदिरों की तरह और चले जाते हो। भाई कुछ हमारे लिए भी कर दो यार। क्या करोगे? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो रे। बढ़ा दो अपने अपने चैनल को। मेरा चैनल नहीं है ये, आप सब लोगों का चैनल है। और कब बढ़ेगा? जब सब लोग प्रयास करेंगे। इन सब बातों के साथ आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। जुड़े रहिए रेडियो मिर्ची के साथ। टाटा बाय बाय।